सुंदर लड़की और साहूकार। एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार ले रखा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उसे बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो वह साहूकार से विवाह करने के से इनकार कर दे और अपने पिता का कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। तो क्या करे, साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको ज़रूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोच कर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छोड़ दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो दोस्तों, जब आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हट कर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।